वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बिहार में बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने छुआ है। महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें मिली हैं। सीटों के हिसाब से एनडीए के नीतीश कुमार सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन आरजेडी अब अंदर खाने सीन पलटने की कवायद में लग चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार तेजस्वी यादव ने अभी मुख्यमंत्री बनने की आस नहीं छोड़ी है। आरजेडी के नेता बिहार के सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी को बिठाना चाहते हैं, इसीलिए आरजेडी के नेताओं ने अंकों के गुणा भाग में उठा पटक शुरू कर दी है। आरजेडी के पार्टी सूत्रों का कहना है, आरजेडी ने विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी से संपर्क किया है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के पद का ऑफर दिया है। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और ओवैसी अगर गठबंधन से समझौता करते हैं तो महागठबंधन सरकार बना सकता है। महागठबंधन को इस चुनाव में 110 सीटें मिली हैं। इन्हें सरकार बनाने के लिए 12 और विधायकों की जरूरत है। आरजेडी सूत्रों का कहना है, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के आने के बाद वो ओवैसी की AIMIM से बात करेंगे, जिसके बाद उनके पास बहुमत बल पूरा हो जाएगा। महागठबंधन को 12 और सीटों की जरूरत है। वीआईपी बिहार में 4 सीटों पर जीती है, 4 सीटों पर HAM जीती है, 5 सीटों पर AIMIM जीती है। ये तीनों अगर महागठबंधन के साथ आती हैं तो महागठबंधन 123 सीटों के साथ सरकार बना सकता है। बता दें, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। सीटों के बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी और महागठबंधन की बात नहीं बन पाई थी। मुकेश सहनी ने खुद को महागठबंधन का डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की थी, और जब मांग पूरी नहीं हुई तो मुकेश सहनी एनडीए के साथ चले गए। अब आरजेडी मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खुद इस बार सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव हार गए हैं। आरजेडी के एक सूत्र ने कहा, कोशिश करने में हर्ज क्या है, अगर वीआईपी और एचएएम हमारे पास आते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके लिए ये सौदा फायदे का रहेगा। जो पद और प्रतिष्ठा हम उन्हें दे सकते हैं वो एनडीए में उन्हें नहीं मिल सकता।